रिसाइकल बिन फॉर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग एक और वीडियो को आपका स्वागत करता हूं। एक और वीडियो में नया हमें क्रिएट पता लगा। आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, मैं इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम कैसे मेरी जो पेन ड्राइव होती है उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट यानी कि मतलब कैसे हम सारा डेटा एक ही बार में उसको उड़ा सकते हैं, आपको पता होगा फॉर्मेट का मतलब। और जैसे कभी कभी होता है कि उसमें वायरस आ गया था, या फिर कभी कभी उसमें आपको उसमें बहुत ज्यादा आपका बैकअप भर गया था, उसे एक ही बार में हटाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के लिए अब मैं आपको उसकी प्रोसेस बताती हूँ, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर पे भी। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट मेन्यू मतलब हम लोग अभी अपना डिस पीसी खोलेंगे, जिसे विंडोज 7 में माई कंप्यूटर कहते हैं, और विंडोज 8 और 10 से उसका नाम हो गया डिस पीसी। ठीक है, अभी हम लोग डिस पीसी खोलेंगे। ठीक है, और अभी स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, स्टार्ट विंडो, क्लिक ऑन विंडो, सर्च बॉक्स एट लैंड, और डिस पीसी टाइप करने वाले हैं यहां पे, THIS टी डिस पीसी ऐप, प्रेस राइट टू स्विच। देखिए मेरे में एक ही बार में आ गया पीसी, क्योंकि मैं इसे फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं। अगर आप इसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते होंगे तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन लेकिन जो लोग इसे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनके में आ जाएगा। मैं इसे एंटर कर रहा हूं, डिस पीसी विंडो। तो ये मेरा डिस पीसी खुल चुका है अभी यहां पे माय कंप्यूटर, और यहां पे मैं डाउन एरो से नेविगेट करना है। म्यूजिक रो टू कॉलम, डिवाइसेस एंड ड्राइव्स ग्रुपिंग एक्सपेंडेड, डिवाइसेस एंड ड्राइव्स 4 एक्सपेंडेड। ठीक है, यहां पे डिवाइसेस एंड ड्राइव लोकल डिस्क, तो यहां पे डाउन एरो से आएंगे तो लोकल डिस्क सी, क्रिट पर्सन डी, न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम एफ, रो। तो यहां पे राइट एरो से मेरे ड्राइव का नाम है क्रिट पर्सन डी, मेरा ड्राइव नाम डी से पर्सन डी। ठीक है, तो अभी हम आपको आपको अपना कर्सर लाके इस पे आपको राइट क्लिक करना है, एप्लीकेशन करना है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आपको अपने जब अपने ड्राइव के नाम पे आके आपको पहले पेन ड्राइव लगा लेनी है, या उसे अपने आपको फॉर्मेट करना है। और यहाँ पे फॉर्मेट की यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, ओपन ओपन न्यू विंडो ई, पिन द क्विक एक्सेस, टर्न ऑन द नाउ मैं सब दे देखेंगे। तो एक्सेस ओपन दिस पोर्टेबल स्कैन विद केस इंक्लूड इन लाइब्रेरी, पिन द स्टार्ट, जिप एंड शेयर, विन जिप सब, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट ए। ठीक है, यहाँ पे ये दबाएंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट पे एंटर करेंगे तभी फॉर्मेट ही होगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट पे आपको एंटर करना है। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूं, फॉर्मेट ऑप्शंस ग्रुपिंग, क्विक फॉर्मेट चेक बॉक्स चेक आउट। ठीक है, तो ये अब देखिए, यहां पे अब देखिए मैं आपको यहां पे टैब टैब से आपको नेविगेट करना है। स्टार्ट बटन मोड प्लस एस, क्लोज बटन मोड, स्टार्ट क्लोज, कैपेसिटी कॉम्बो बॉक्स 14.3 जी, कैपेसिटी है इसकी, आपको यहां पे कुछ नहीं चेंज करना, सिस्टम कॉम्बो बॉक्स 32, यहां पे भी आपको कुछ नहीं चेंज करना, एप्लीकेशन यूनिट साइज कॉम्बो बॉक्स 16 किलो, यहां पे भी आपको कुछ नहीं चेंज करना, डिवाइस डिफॉल्ट्स बटन मोड प्लस डी, यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम लेवल आउट प्लस एल सिलेक्टेड क्रिट पर्सन। हाँ, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लैंड सिलेक्शन रिमूव, मैं चेंज कर देता हूँ, K R I T crit P E R L L format, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं अगर आपको कोई ड्राइव का रखना है, वरना वो अपने आप भी ले सकता है, ले लेगा, वो ऐसी वो नहीं है, वरना मैंने अपना नाम रख दिया। अब यहाँ पे अब आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट ऑप्शंस ग्रुपिंग, क्विक फॉर्मेट चेक बॉक्स चेक आउट प्लस क्यू, ठीक है, क्विक फॉर्मेट, इससे आपको जल्दी हो जाएगा ड्राइव फॉर्मेट, स्टार्ट बटन प्लस एस, स्टार्ट, ठीक है, और प्लस एस तो स्टार्ट की कमांड है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। Format crit person D dialog warning, formatting will erase all data on this disk, to format the disk click OK. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एक वार्निंग दे रहा है कि फॉर्मेटिंग से पूरी सारी डेटा हट जाएगा ड्राइव पे से, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके दबाएं, नहीं करना चाहते तो कैंसिल। ठीक है, तो मैं ओके कर दूंगा, ओके बटन स्पेस फॉर्मेटिंग crit person, अभी ये हो रहा है, और यहां पे अभी ये पूरा है फॉर्मेटिंग, formatting this meet formatting grid formatting grid person d dialog format complete okay button, तो यहां पे अब हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। ठीक है, मेरे में बिल्कुल डेटा नहीं था इसीलिए जल्दी हो गया, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा टाइम भी होगा। format grid person d dialog close button mode plus c, अब यहां पे क्लोज कर देना this pc window items view list start, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं तुम्हें कह सकता हूं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपना फीडबैक जरूर कीजिए वीडियो के कमेंट्स में, आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो जाने चाहिए इसमें, और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और मैं आपको मिलता हूँ अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।